Dr. Prableen Kaur, working as a consultant and infertility specialist at Rich IVF. So today we'll discuss about steps of IVF. कि IVF में क्या-क्या steps होते हैं? पहला step होता है ovarian stimulation का. कोई भी couple जब हमारे पास आता है, तो basic हम उसका पूरा detail workup और history करते हैं. Female partner का हम ultrasound करते हैं और उसको कुछ blood investigation हार्मोनल एसेस एडवाइस करते हैं. साइमल्टेनियसली हम मेल पार्टनर को भी एग्जामिन करते हैं और सीमन एनालिसिस करते हैं. इन सब से हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि उनको कितना सीरियस इलाज चाहिए, कितने दिन का ट्रीटमेंट चाहिए और कितने दिन उनको इंजेक्शंस लगेंगे अकॉर्डिंग टू हर ओवेरियन रिजर्व. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ IVF इज ओवेरियन स्टिमुलेशन. पीरियड के सेकेंड डे से हम ओवेरियन स्टिमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. हम आपको सेकेंड डे पे बुलाएंगे, आपका बेसिक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि आपकी ओवरीज में कितने एंट्रल फॉलिकल काउंट्स हैं, जो कि हमें ग्रो करके उनको फॉलिकल्स बना के उनमें से एग निकालना होता है. और ये देखना होता है बहुत जरूरी कि कोई ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है और यूट्रस कैसा है. सेम डे हम आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट लिख के देंगे, जो कि आपको करा के रिपोर्ट हमारे पास थर्ड डे पे लेके आनी होती है. इस दोनों के बेसिस पे हम इंजेक्शंस जो कि IVF में लगते हैं, जिनको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, उसकी डोज कि वो कितना डोज में आपको चाहिए, कौन सा गोनाडोट्रोपिन आपको लगेगा और कितने दिन लग सकता है, इसका एक अनुमान लगाते हैं. तो थर्ड डे ऑनवर्ड्स आपको गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ इंजेक्शन हम 3 से 4 दिन तक लगाते हैं थर्ड डे ऑनवर्ड्स टिल योर 7th डे. इंजेक्शन आजकल के बहुत आधुनिक इंजेक्शंस हैं, जो कि सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है. कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि ये इंजेक्शन पेनफुल हैं, जो कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होते, हल्का सा पता चलता है क्योंकि दे आर गिवन इन अ न्यू टेक्निक. जैसे कि इंसुलिन का पेन आता है, कुछ लोग सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि वी रिक्वेस्ट ऑल आवर पेशेंट्स, क्योंकि ये महंगे इंजेक्शंस होते हैं और ये खराब टेक्निक से लगेंगे तो आपके एग्स ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए हम पेशेंट को ये काउंसिल जरूर करते हैं कि आप हमारे पास आइए या किसी प्रॉपर IVF सेंटर में, जहाँ की IVF प्रॉपर ट्रेनिंग वाली स्टाफ नर्स हो, उसी से लगाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है IVF ट्रीटमेंट का. अगर ये सही से नहीं लगा तो आपके फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे. सेकेंडली, इसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसी पार्ट ऑफ डे पे लगाएं. एक आध घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं डेली जिसमें आपने स्टार्ट किया है, जैसे मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग टाइम ही नेक्स्ट डे लगाएं. तो पीरियड के 7th डे पे जब आपको बुलाएंगे और आपका TVS करके आपको एक हार्मोनल टेस्ट बताएंगे, उस दिन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होता है जो कि ऐड करना होता है, जिसको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं. ये भी सेम टाइम पर विद गोनाडोट्रोपिन्स चलता है टिल द टाइम वी गेट मैच्योर एग. एंटागनिस्ट स्टार्ट होता है और साथ में रफली it is given for roughly 5 to 6 days along with the gonadotropins till the time we get mature egg. जब हमें लगता है कि आपके eggs mature हो चुके हैं, उस दिन तक antagonist और gonadotropin साथ साथ चलता है और उस दिन एक नया injection हम आपको बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं trigger shot, which is also very important. इस ये तो बिल्कुल time bound होता है. Trigger shot हमें ऐसा टाइम बाउंड करना पड़ता है कि व्हेन वी गिव अ ट्रिगर शॉट, उसके 34 टू 35 आवर्स बाद हम आपके ओसाइट रिट्रीवल प्लान करते हैं. जैसे कि आज रात को अगर हमने आपका ट्रिगर शॉट डिसाइड किया 10 PM, तो हम आपका ओसाइट रिट्रीवल करेंगे डे आफ्टर टुमारो एट 9 AM. तो ट्रिगर शॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बाउंड इंजेक्शन, जो कि आपको हमेशा याद रखना है. हम भी बार बार आपको यही याद कराते हैं कि ट्रिगर शॉट आप टाइमली लेना. अगर टाइमली ना लिया जाए, सपोज किसी ने पहले ले लिया और हमें बताया नहीं, तो हमें जिस दिन हम रिट्रीवल करेंगे सारे एग्स रप्चर मिलेंगे, हमें एग्स रिट्रीव नहीं होंगे. या फिर किसी ने लिया ही नहीं या किसी ने लेट लिया, तो जब हम रिट्रीवल करेंगे हमें मैच्योर एग्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रिगर शॉट. तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इंजेक्शन आप सब टाइमली लें, जब हम बुलाए आप तभी आए, और टाइम का और टेक्निक का ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ IVF, दैट इज रिट्रीवल.